6 to 9 लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट के केस की। हम सभी देख रहे हैं कि सोनाली फोगाट के केस में गोवा पुलिस को एक के बाद एक बड़ी सफलताएं हाथ लग रही हैं। जिस तरह से सोनाली फोगाट के केस में सबसे बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी सोनाली फोगाट के मोबाइल फोन के साथ। जी हाँ, सोनाली फोगाट का मोबाइल फोन फाइनली पुलिस के हाथ लग गया, जिसे खंगालते हुए दिखाई दे रही है पुलिस। इसके साथ पासपोर्ट और ज्वेलरी भी मिली, लेकिन गोवा पुलिस के हाथ सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान के गुड़गांव के सेक्टर 102 के उस फ्लैट में कुछ ऐसा हाथ लगा जिसने पुलिस के और साथ ही सोनाली फोगाट के परिवार के होश उड़ा दिए। आखिरकार ऐसा क्या मिला? बता दें कि जब पुलिस वहां पर छानबीन कर रही थी, इस दौरान कई चीजें गायब मिली, फर्नीचर हो या फिर यहां पर गाड़ियां, तमाम चीजें गायब थी। लेकिन कुछ ऐसा सामान जो साजिश रचने वाले शायद भूल गए, क्या था वो सामान? आपको बता दें कि सोनाली फोगाट के उस फ्लैट में गोवा पुलिस को 2 चाबियां मिली है। अब ये चाबियां आखिरकार किस लॉकर की है या फिर किस ताले की है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। माना ये जा रहा है कि शायद ये चाबियां सुधीर सांगवान और राजू यहाँ पर जिस तरह से सोनाली फोगाट से जुड़ी हुई किसी ऐसे खास ताले की हैं जो वाकई में सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान का कोई बड़ा राज छुपाए बैठा है। अब पुलिस इस बात पर छानबीन कर रही है और सुधीर सांगवान से पूछताछ भी कर रही है कि आखिरकार गुड़गांव के उस फ्लैट में ये जो 2 चाबियां मिली है, क्या इनके पीछे बड़ा राज है। इसी के साथ सोनाली फोगाट के घर से और भी कई जरूरी चीजें मिली, जैसे कि उनका पासपोर्ट, वहां पर कई पेन मिले हैं, सोने के पेन। यानी कि अपने आप में बड़ा सवाल उठ जाता है कि इस तरह की चीजें, जहां एक और जो साजिश रचने वाले थे कई चीजें उस फ्लैट से गायब कर दी, चाहे वो सोनाली फोगाट का लैपटॉप हो, पेन ड्राइव हो या फिर और जरूरी डॉक्यूमेंट्स। लेकिन ऐसे में आखिरकार सोनाली फोगाट का मोबाइल फोन, पासपोर्ट और इस तरह की चीजें कैसे भूल गए, बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठ जाता है। और इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश पुलिस कर रही है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि उस फ्लैट में मिली वो 2 चाबियां आखिरकार किस ताले की है और उसके पीछे क्या बड़ा राज खुलेगा। लेकिन इस वक्त जिस चीज को लेकर के पुलिस सबसे ज्यादा परेशान है वो यही सवाल है कि जहां एक और उस फ्लैट से इतनी चीजें गायब हुई, तो आखिरकार सोनाली फोगाट का फोन वहां पर कैसे बरामद हुआ। क्योंकि जब भी किसी शख्स को लेकर तलाश की जाती है, छानबीन की जाती है, तो सबसे पहली चीज जो पुलिस के दिमाग में आती है वो आता है मोबाइल फोन। और मोबाइल फोन का इतनी आसानी से मिल जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आखिरकार इसके पीछे क्या राज है, ये तो इस मामले में घिरे हुए सुधीर सांग ही बता पाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।